नमस्कार दोस्तों, परीक्षा प्लस में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम लोग जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो टीचिंग से रिलेटेड है, क्योंकि परीक्षा प्लस टीम अभी तक सिविल सर्विसेज, बैंकिंग, वनडे एग्ज़ाम इन सभी पर फोकस कर रही थी, लेकिन अब हम लोगों ने एक नई पहल स्टार्ट की है, शिक्षण से रिलेटेड कोर्स स्टार्ट किए हैं, जिसमें TGT में आज हम लोग बात करेंगे सामाजिक विज्ञान की। जी हाँ दोस्तों, सामाजिक विज्ञान की जब हम बात करते हैं तो सोशल साइंस में चार सब्जेक्ट्स होते हैं। आप सभी लोग जानते होंगे चार सब्जेक्ट्स, जब भी हम लोग सोशल साइंस की बात करते हैं। सोशल साइंस में चार चीज़ें हैं, क्योंकि किसी बच्चे ने ज्योग्राफी में, पॉलिटी में, इकोनॉमी और आपकी हिस्ट्री। BA लास्ट ईयर में, बिल्कुल अच्छे से इस बात को समझ लीजिएगा, ये बच्चों के मन में बहुत बार रहता है कि मैं TGT दे पाऊंगा कि नहीं दे पाऊंगा, TGT देने के लिए क्या चाहिए। तो ग्रेजुएशन में अगर किसी बच्चे ने इन चार सब्जेक्ट्स में से लास्ट ईयर में कोई दो सब्जेक्ट में ग्रेजुएट हुआ हो, चाहे वो ज्योग्राफी पॉलिटी हो, चाहे वो पॉलिटी इकोनॉमी हो, चाहे वो इकोनॉमी हिस्ट्री, कोई भी इन चार में से दो सब्जेक्ट उसके लास्ट ईयर में होने चाहिए और इसके साथ BEd होना अनिवार्य है। अगर वह इन चार में से कोई दो सब्जेक्ट और BEd है तो वो TGT का एग्जाम दे सकता है। ये बात बिल्कुल आप अपने दिमाग में रखिएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी भ्रांति होती है स्टूडेंट्स के बीच में कि वो TGT के एग्जाम के लिए BA तो उसने किया, लेकिन वो BA में उसके पास लास्ट ईयर में सब्जेक्ट है या नहीं। वो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में था सब्जेक्ट, लेकिन लास्ट ईयर में उसने वो सब्जेक्ट शायद ड्रॉप कर दिया हो, इसलिए ये दिक्कत हो सकती है। मान लीजिए किसी बच्चे ने लास्ट ईयर में BA थर्ड ईयर में उसने ज्योग्राफी के साथ हिंदी ले लिया हो, तो वो ज्योग्राफी के साथ अगर हिंदी ले लेगा तो वो TGT देने के लिए फिर वो ज्योग्राफी से नहीं दे सकता, हिंदी के साथ फिर संस्कृत का होना अनिवार्य है। तो ये सब चीज़ें हैं आपको ध्यान रखनी है। तो इसलिए अगर कोई व्यक्ति सोशल साइंस यानी सामाजिक विषय में TGT का एग्जाम देना चाहता है तो उसके लिए इन चार सब्जेक्ट्स में से किसी दो सब्जेक्ट का चयन करना अनिवार्य है। और 60-60 क्वेश्चन यानी कि 60-60 क्वेश्चन, 120 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, नेगेटिव मार्किंग होती है, 120 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। और इसके साथ साथ एक सबसे अच्छी बात ये भी है कि TGT में इंटरव्यू नहीं है, आपने अगर अच्छे मार्क्स गेन कर लिए तो आप तुरंत सिलेक्शन पा जाएंगे और उत्तर प्रदेश के किसी भी इंटर कॉलेज में एज द TGT 9th 10th के टीचर के लिए आप अपॉइंट कर लिए जाएंगे। तो अब आपके दिमाग में ये तो बात आ गई सबसे पहला पड़ाव कि क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए TGT के लिए, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बात करेंगे, आज मैं TGT में ज्योग्राफी के लिए आपके साथ हूँ, मैं डॉक्टर मृत्युंजय पाल, असिस्टेंट प्रोफेसर नेशनल PG कॉलेज लखनऊ, और इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट अभ्युदय योजना में भी लखनऊ सेंटर में ज्योग्राफी पढ़ाता हूँ और परीक्षा प्लस टीम के साथ जुड़ा हुआ हूँ। और आपको मैं बताऊंगा कि TGT में ज्योग्राफी की तैयारी कैसे करें और क्या पढ़ें ज्योग्राफी में, इसके लिए मैं बात करूंगा। आइए देखते हैं ज्योग्राफी के लिए जो आपका सिलेबस है, क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स के दिमाग में ये आता है कि हमारा सिलेबस क्या है, और हमेशा सभी बच्चों को ये बात भी ध्यान रखनी है कि बिना सिलेबस के अगर वो किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन करेंगे तो उन्हें दिक्कत होगी। बहुत से बच्चे तमामों किताब लेके आते हैं, वो उपकार भी होगी, साहित्य भी होगी, इस तरह से अलग अलग किताब ला करके पढ़ना वो बेनिफिशियल नहीं है, क्योंकि अब एग्जाम का पैटर्न वो नहीं रह गया जो पहले हुआ करता था कि हम लोग जो भी बुक्स लाए और उसको पढ़ लिया। जब तक आप डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, जब तक आप कॉन्सेप्ट्स के साथ नहीं पढ़ेंगे, जब तक आप वे ऑफ सिस्टम से नहीं पढ़ेंगे, तब तक आप एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एग्जाम क्रैक करने के लिए आपको डेप्थ नॉलेज होना अनिवार्य है। और डेप्थ नॉलेज के लिए आपको कहाँ आना पड़ेगा, परीक्षा प्लस टीम के पास, क्योंकि यहाँ पर क्या है, जितने भी टीचर आपको पढ़ा रहे हैं वो सारे टीचर आपको कहीं ना कहीं हर चीज़ बहुत ही डेप्थ में दे रहे हैं। और अगर आप इस पर देखें सब्जेक्ट में, सबसे पहले जब अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट आता है ज्योग्राफी में फिजिकल ज्योग्राफी। अच्छा, फिजिकल ज्योग्राफी में सोलर सिस्टम के बारे में हम लोग को पढ़ना है। सोलर सिस्टम, सबको लगता है कि सोलर सिस्टम बड़ा इजी है,
बड़ी आसानी से हम पढ़ लेंगे, ये तो मुझे आता ही है। लेकिन जब वो क्वेश्चन पूछता है नेबुला थ्योरी किसने दिया, ये वायव्य राशि सिद्धांत किसने दिया, तो इन सब के बारे में फिर आप मिस कर देते। खाली 8 प्लैनेट को पढ़ लेने से सब कुछ नहीं होगा, इसलिए आपको हर चीज़ को बहुत ही डिटेल में पढ़ना अनिवार्य है। इसी के साथ साथ जैसे अर्थ के बारे में, पृथ्वी की आकृति कैसी है, पृथ्वी की उत्पत्ति कैसी है, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण क्या है, लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स क्या हैं, फिर जो आपका टाइम मेजरमेंट क्या है, इंटरनेशनल टाइम जोन क्या है, ये देखने में तो बड़ा ईजी है, बट जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको ऐसा लगता है, क्योंकि आप सिलेबस को अगर गहन अध्ययन करेंगे तो कोई भी क्वेश्चन अब ऊपर से नहीं आ रहा है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर हम आपसे बात करें कि जैसे हमारे यहाँ टाइम मेजरमेंट लाइन है, अब टाइम मेजरमेंट लाइन सबको पता है कि 82.5 डिग्री पूर्वी ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड्स आपके इलाहाबाद के नैनी से ली गई है। अगर हम आपसे कहें कि कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो एक क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है, ये भी एक क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। तो ऐसे कई क्वेश्चन होंगे, जैसे हम लोग टाइड्स के बारे में अभी यहाँ पर जो है सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण की बात आई कि सूर्य ग्रहण कब होगा, पूर्णिमा को होगा कि अमावस्या को होगा, या पूर्णिमा को ही क्यों होता है या अमावस्या को ही क्यों होता है। तो हमें अगर हम इन बिंदुओं पर अगर डिटेल में देखें तो डिटेल में अगर हम देखेंगे तो हर चीज़ को बहुत ही डिटेल में हमें पढ़ना अनिवार्य है। यानी इसके लिए हमें NCERT की बुक्स को देखना जरूरी होगा, ना कि हम किसी उपकार या साहित्य को देखें, या हमारे जो अपने नोट्स होंगे जो परीक्षा प्लस टीम की तरफ से आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। जो भी टीचर आपको पढ़ाएगा, अगर मैं आपको ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ तो ज्योग्राफी में जो भी टॉपिक आपको बताया गया उसका एक रिटन नोट्स आपको दिया जाएगा, जिसको आप पढ़ करके एग्जाम में बैठेंगे तो निश्चित आपको वहाँ से क्वेश्चन मिले, ये हमारा लक्ष्य है। फिर आता है जैसे लिथोस्फेयर यानी स्थल मंडल की बात कर रहे हैं, जैसे सबसे पहले लिखा है रॉक्स चट्टान, यानी चट्टान का ओरिजिन कैसे हुआ, यानी चट्टानों की अगर हम बात करेंगे तो फिर हमें ये बात करनी होगी कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। फिर आपकी आर्कियन रॉक्स के बारे में हम लोग इग्नियस रॉक्स की बात करेंगे, फिर मेटामॉर्फिक की बात करेंगे, फिर आपकी सेडिमेंट्री रॉक्स की बात करेंगे, तो इन चट्टानों के बारे में स्टडी करेंगे। जब हम चट्टानों के बारे में जानेंगे हमारी पृथ्वी में ये चट्टानें कहाँ पर हैं, इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, कौन कैसे बना है, किसमें कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं, ये सारी चीज़ें अगर आप सिस्टम से पढ़ लेंगे तो निश्चित है कि अगर रॉक से कोई क्वेश्चन आएगा तो वो गलत नहीं होगा। अच्छा, जब रॉक्स को पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि वॉल्केनो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, क्योंकि सबको पता है कि बिना भाई जब तक जब अर्थक्वेक आएगा तो वॉल्केनिक इरप्शन होना तय है। अगर वॉल्केनिक इरप्शन होगा तो चट्टाने खिसकेंगी, चट्टाने चटकेंगी, तो यानी कि हमें वॉल्केनो, अब एक्टिव वॉल्केनो, डॉर्मेंट वॉल्केनो, एक्सटिंक्ट वॉल्केनो, वर्ल्ड में कहाँ कहाँ पे वॉल्केनो पाए जाते हैं, कौन कौन से इम्पॉर्टेंट हैं, किसकी क्या इम्पॉर्टेंस है, ये सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पर वॉल्केनोज में पढ़ेंगे। तो क्योंकि हमें अपने दिमाग में ये बात बैठा लेनी होती है कि हमें सिलेबस में पढ़ना क्या है, और जो TGT की एक विशेषता है, जो पॉइंट यहाँ मेंशन किया गया है उन्हीं पॉइंट्स पर ही हमें फोकस करना है, हमें सब कुछ नहीं पढ़ना है। अगर हम सब कुछ के चक्कर में पढ़ गए तो दिक्कत हो जाएगी। और सबसे बड़ी एक और इम्पॉर्टेंट बात बता दें, ये बहुत ही गोपनीय बात है आपको, कि जून में नोटिफिकेशन किसी भी दिन आ जाएगा और सितंबर में ये एग्जाम हो जाना है, ये भी तय है। अक्टूबर में राइट आंसर की और नवंबर में रिजल्ट, ये फिक्स है। अभी कल ही मेरी बात हो रही थी कहीं और इसकी सूचना मुझे कहीं से प्राप्त हुई कि सितंबर में ये एग्जाम हो जाएगा, तो यानी गिनती के हमारे पास उंगलियों पे दिन है, आप जाग जाइए और शुरू हो जाइए, क्योंकि जरा सा भी अगर आपने चूक की तो फिर 2022 निकल जाएगा, और अगर 2022 सुनहरा करना चाहते हैं तो आप इसके लिए तैयार हो जाइए। फिर देखिए नेक्स्ट लिखा हुआ है, जैसे मैंने अभी आपसे कहा ना कि एक्टिव वॉल्केनो, डॉर्मेंट वॉल्केनो और एक्सटिंक्ट वॉल्केनो, और फिर टाइप्स ऑफ वॉल्केनो हो गए। अब वो वर्ल्ड में कहाँ कहाँ पर, जापान में कौन है, अफ्रीका में कौन है, यूरोप में कौन है, कंट्री वाइज पढ़ने का तरीका क्या है कि जब हम वॉल्केनो पढ़ रहे हैं तो हमें कंट्री वाइज पढ़ना है, ऐसे रटना नहीं है कि लूसेंट की किताब खरीदी और उसको रट मारे, ऐसे नहीं, कंट्री वाइज कि किस कंट्री में कौन कौन से एक्टिव वॉल्केनो है, कौन कौन से डॉर्मेंट वॉल्केनो है, कौन कौन से एक्सटिंक्ट वॉल्केनो है, किसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो इससे क्या होगा कि जब आप कंट्री वाइज पढ़ेंगे तो निश्चित है आपको चीजें कॉन्सेप्चुअल रहेंगी, और जब कॉन्सेप्चुअल होगा तो 60 क्वेश्चन आपसे गलत होने की संभावना नहीं होगी। फिर आता है अर्थक्वेक। अब जब अर्थक्वेक की बात की जाती है तो जैसे आप सभी लोगों को पता है अर्थक्वेक कहाँ पर ज़्यादा अर्थक्वेक आएगा, कोस्टल एरियाज के बारे में, वर्ल्ड के जो पैसिफिक ओशन का जो जोन है उसके बारे में, तो ये अर्थक्वेक की पूरी हिस्ट्री, फिर उसमें धरातल के अंदर से जो पी वेव, एस वेव,
इनके वेव्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन तो यहीं से आता है कि जब अर्थक्वेक आएगा तो कौन सी वेव सबसे पहले अर्थ पे पहुंचती है, कौन सी वेव्स जल थल वायु तीनों में चलती है, कौन सी वेव तीनों फॉर्मेट करती है, कौन सी वेव बहुत स्थिर रहती है लेकिन तेज काम करती है। तो इस तरह के तमाम क्वेश्चन अर्थक्वेक से क्रिएट होते हैं। जैसे वॉल्केनिक इरप्शन में कौन निम्नलिखित में से कौन सा सेडिमेंट्स निकलता है, या कौन सी गैस पहले निकलती है, या कौन सबसे ज़्यादा हार्मफुल होता है, इस तरह के तमाम क्वेश्चन होते हैं जिस पे हम लोग जब क्लास देंगे तो आपको चर्चा करेंगे, आपको बताएंगे कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। फिर आता है इसके बाद जब हम लोग अर्थक्वेक पढ़ेंगे तो उसमें कॉन्टिनेंट वाइज हम बताएंगे आपको कहाँ कहाँ पर है। फिर माउंटेंस का मतलब हो गया हमारे यहाँ जैसे फोल्डेड माउंटेन है, आप सभी को पता है कि पूरे वर्ल्ड में फोल्डेड माउंटेन की संख्या लगभग 60-70% है। फिर ब्लॉक माउंटेन है। तो इस तरह से जो माउंटेंस हैं हम लोग जो मेन माउंटेन्स हैं उनके बारे में, उनकी इंपॉर्टेंस, रॉकी है, एंडीज है, आल्पस है, इन सब के बारे में, पर्वतों के बारे में हम लोग जब भी पढ़ेंगे तो फिर प्लेटू माउंटेन, प्लेटू फिर प्लेन, इन तीनों का इंपॉर्टेंस क्या है पूरे वर्ल्ड में, इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, इनकी क्या 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 विशेषताएं हैं, उन सारी चीज़ों पर हम लोग चर्चा करेंगे। फिर नेक्स्ट आता है आपका मैदान, नदी घाटी, अपरदन। जैसे रिवर्स, इंडिया में जितनी भी रिवर्स बह रही हैं, क्योंकि जो पेपर आपका है उसमें इंडिया और वर्ल्ड दोनों इन्वॉल्व होता है, भारत की नदियाँ, अब भारत में उत्तर भारत में बहने वाली नदियाँ, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, फिर आपका जो है क्या कहते हैं, कौन सी नदियाँ डेल्टा बनाती हैं, कौन सी नदियाँ एस्चुरी बनाती हैं, इस पर चर्चा करना है। फिर इसके साथ साथ वर्ल्ड में भी जैसे पक्षीपात डेल्टा कौन सी नदी बनाती है, कौन सी लाइफ लाइन है अफ्रीका में, कौन सी इजिप्ट की लाइफ लाइन है, यूरोप की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो यानी नदियों की क्या इंपॉर्टेंस है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और रिवर इरोजन से क्या क्या बनता है, वो कौन कौन सी लैंड मास हैं, कौन कौन से मैदान क्रिएट होते हैं, या रिवर डिपोजिशन से क्या क्या बनता है, इन सब चीज़ों को भी हमें पढ़ना अनिवार्य है। और इनको विथ मैप अगर हम समझेंगे तो निश्चित आप भूलेंगे नहीं। तो इसलिए इस बात को भी हमें ध्यान रखना है कि ये दोनों तरीके हैं, क्योंकि हम अगर ज्योग्राफी को विथ मैप समझते हैं, विथ मैप पढ़ते हैं, तो निश्चित ही आपको चीज़ें समझ में आएंगी और आपको एग्जाम में बेनिफिट होगा, क्योंकि यह विषय रटने वाला नहीं है, कॉन्सेप्चुअल है, कॉन्सेप्ट पे समझेंगे तो निश्चित आपको चीज़ें समझ में आएंगी। फिर आता है आपका नेक्स्ट, जैसे यहाँ पे लिखा है जल अपरदन द्वारा विभिन्न चरणों से निर्मित भू आकृतियाँ समोच्च रेखाओं द्वारा प्रमुख स्थल आकृतियों की पहचान, यानी कि जो रिलीफ फीचर्स हैं, जो भी इरोजन होगा, रिवर इरोजन होगा, तो उससे जो रिलीफ फीचर्स बनेंगे, उन रिलीफ फीचर्स के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि कौन कौन सी भू आकृतियाँ बनती हैं। जैसे आपने देखा वाटरफॉल्स हैं, जैसे रैपिड्स हैं, तो इनके बारे में हम लोग, वी वैली होती है, यू वैली बनती है, इनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से भी आता है कि रिवर इरोजन से निम्नलिखित में से कौन से शेप बनते हैं, तो वी वैली कैसे बनती है, यू वैली कैसे बनती है, रैपिड्स कैसे बनते हैं, आपके वाटरफॉल्स कैसे क्रिएट होते हैं, इनके बारे में हम लोग चर्चा यहाँ करेंगे लिथोस्फेयर में। फिर आता है आपका एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर है, क्योंकि हम लोग को लगता है कि वायुमंडल तो पूरा हो गया, सब देखा हुआ है, सब कुछ आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको आप इस समय जो क्वेश्चन आ रहा है आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि जैसे उसने पूछ लिया कि वायुमंडल में ओजोन कितने परसेंट है, अब ये कितना खतरनाक सवाल है कि ओजोन कितने परसेंट है, वो पूछ रहा है कार्बन डाइऑक्साइड कितने परसेंट है, तो ये एटमॉस्फेयर, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। अब स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर का मतलब हो गया कौन कौन सी चीज़ें भाई, स्टेप बाय स्टेप ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेजोस्फेयर, आयनोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, कहाँ पे मौसम की सारी घटनाएं घटित हो रही हैं, कहाँ पर टेम्परेचर एक्सटेंड हो जा रहा है, कहाँ पर टेम्परेचर सबसे कम पाया जा रहा है, कहाँ पर हवाई जहाज सही ढंग से उड़ रहा है, रेडियो एक्टिव वेव्स कहाँ पर चल रही हैं, ये सब हम कहाँ पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। जब कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर की बात करते हैं तो उसमें हम लोग गैसेस की बात करते हैं, जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, आर्गन, इनकी बात करते हैं, तो यहाँ पर हम लोग इस पे बात करेंगे। फिर आता है इंसोलेशन, सूर्यातप और उससे प्रभावित होने वाले कारक, यानी इंसोलेशन और उससे इफेक्टेड कॉजेज। तो यानी इंसोलेशन क्या है, जैसे इंसोलेशन क्या है, तो अगर हम इसको कहें कि इंसोलेशन को एक शब्द में कहें तो सूर्य से जो एनर्जी आ रही है पृथ्वी पर, डैट इज इंसोलेशन। सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को सूर्यातप कहते हैं।
ठीक, अब उससे इफेक्ट क्या क्या पहुंच रहा है हमारे एटमॉस्फेयर में, टेम्परेचर का बढ़ना, हमारे क्लाइमेट में एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेल्ट में इम्पैक्ट पड़ना, हमारे लैंड मास में, हमारे वेजिटेशंस में कौन कौन से एस्पेक्ट्स पड़ रहे हैं, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। इंसोलेशन यानी सूर्यातप से प्रभावित होने वाले कारक पर, फिर टेम्परेचर का हॉरिजेंटल और वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि जो टेम्परेचर जो हमारे पास सूर्य की किरणें आ रही हैं, सूर्य की किरणों से दो तरह की वेव्स आती है, एक लॉन्ग वेव्स और एक शॉर्ट वेव्स। जो लॉन्ग वेव्स होती है उसका इम्पैक्ट उतना नहीं पड़ता क्योंकि वो आती है और रिफ्लेक्ट होकर के चली जाती है, लेकिन जो शॉर्ट वेव्स होती हैं वो आने के बाद रुकती हैं और वो हमारे एटमॉस्फेयर में जो हीट बैलेंस हो रहा है वो सब शॉर्ट वेव्स की वजह से होता है। तो अब उसमें क्या है, जो टेम्परेचर का वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है और जो हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन है, इन दोनों पर अगर हम स्टडी करें तो हम कम शब्दों में आपको अभी यहाँ पर ये बता दें, जैसे हम लोग 0 डिग्री से 23.5 डिग्री ट्रॉपिकल जोन, फिर 23.5 से 66 टेम्परेट जोन, डेट इज हॉरिजेंटल टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग हमने एयर प्रेशर बेल्ट बनाया। तो उससे आपको हम किसी भी जगह का टेम्परेचर, उस किसी भी जगह की वहाँ की वेजिटेशन, वहाँ के रेनफॉल, इन सब के बारे में हम एक बार बता सकते हैं। तो यानी कि टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन की स्टडी हम लोग यहाँ पर करेंगे। फिर क्या है एयर प्रेशर बेल्ट, वायुदाब पेटियाँ, तीन तरह की वायुदाब पेटियाँ, मुख्य रूप से तीन तरह की परमानेंट विंड्स होती है, ट्रेड विंड, वेस्टर्नली पोलर, इस पर चर्चा हम लोग यहाँ एयर प्रेशर बेल्ट में करेंगे। ट्रॉपिकल जोन, टेम्परेट जोन, फ्रिज जोन, उष्ण कटिबंधी, शीतोष्ण कटिबंधी, शीत कटिबंध, जिसमें हम लोग हॉर्स लैटिट्यूड्स के बारे में आपको बताएंगे, जिसमें हम लोग कोरियोलिस फोर्स के बारे में हम लोग आपको बताएंगे, जिसमें हम लोग आपको फेरल लॉ के बारे में बताएंगे, ये सब हम लोग बात करेंगे एयर प्रेशर बेल्ट में। फिर आता है ये आपका सनातन पवन का मतलब ही हो गया परमानेंट विंड। फिर लोकल विंड्स यानी कि स्थानीय पवने, जैसे लू है, हरमट्टन है, आपका डॉक्टर विंड है, सिमूक है, खम्सिन है, तो इस तरह से जो हवाएं चल रही हैं इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठंडी हवाएं कौन सी हैं, गर्म हवाएं कौन सी हैं, और इन सबको आपको रट भी डालना है। जब तक आप हमारा वीडियो अगर देख रहे हैं तो आप ये ध्यान रखिएगा कि इनको आपको रटना है, क्योंकि जो परमानेंट हवाएं हैं, जो जो लोकल विंड्स हैं, इनको आप रट मारिए, तब तक जो रटने वाली चीज़ें अगर उसको रट डालेंगे तो इससे क्वेश्चन गलत नहीं होगा। फिर आता है आपका प्रेसिपिटेशन, वर्षण। वर्षण क्या है, क्योंकि प्रेसिपिटेशन होगा भाई, जैसे जैसे टेम्परेचर डाउन होता जाता है वैसे वैसे आपका प्रेसिपिटेशन होगा, तो फॉग बनेगा, फिर स्मॉग बनेगा, फिर आपका पाला, कोहरा, ये सारी प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। तो हमें आपको ये जानना है, आपको बताना है कि किस तरह से जो है टेम्परेचर डाउन होना, यानी कि सूर्य नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में इस समय, जैसे इस समय बहुत गर्मी हो रही है, लेकिन सूर्य जब सदर्न हेमिस्फेयर की तरफ बढ़ेगा तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में टेम्परेचर कम होता जाएगा, और जब टेम्परेचर, क्योंकि सूरज की किरणें उत्तर भारत में जब तिरछी पड़ेंगी तो निश्चित है कि तापमान कम होता जाएगा, और जब तापमान कम होता जाएगा तो धीरे धीरे जब तापमान कम होगा तो क्या होगा, एयर में ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी, और जब एयर में ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी तो इसका मतलब है फिर प्रेसिपिटेशन होगा, कंडेंसेशन होगा, फॉग, स्मॉग, इन सब चीज़ों के बारे में फिर हम लोग स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर ये पढ़ना है। फिर आता है आपका साइक्लॉन। साइक्लॉन क्या है, साइक्लॉन कैसे आता है, साइक्लॉन कहाँ पर जनरेट होता है, साइक्लॉन की क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, कैसे क्रिएट होता है, कैसे वो भारतीय मानसून को प्रभावित करता है, वर्ल्ड में किन किन देशों में, क्योंकि ट्रॉपिकल साइक्लॉन है, टेम्परेट साइक्लॉन है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे, और कैसे कैसे ये अपनी एक्टिविटीज़ को करता है इस पर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों आपको ये बात समझ में आ गई होगी साइक्लॉन। फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड क्लाइमेट, क्लाइमेट के बारे में, भारत की जलवायु, विश्व की जलवायु, इसके बारे में हम लोग, कोपेन क्लासिफिकेशन है, कोपेन ने अपना वर्ल्ड क्लाइमेट दिया था, कोपेन की क्लासिफिकेशन पर डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम लोग फिर वर्ल्ड की क्लाइमेट पे भी डिस्कशन करेंगे, जिसमें कोपेन ने अपने जलवायु वर्गीकरण में इंग्लिश के अल्फाबेट्स का यूज किया था। दो चीज़ों को उसने लिया था, टेम्परेचर और रेनफॉल के आधार पर, तापमान और वर्षा के आधार पर जेट कोपेन ने पूरे वर्ल्ड की क्लाइमेट का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया था। फिर आता है दैनिक मौसम मानचित्र में प्रयुक्त संकेतों की पहचान, यानी कि आपने देखा होगा मैप में कुछ सिंबल्स यूज होते हैं, जैसे टेम्पल के लिए सिंबल्स हैं, रोड के लिए सिंबल्स हैं, बादल के लिए सिंबल हैं, उन सिंबल्स को हम आपको यहाँ पर प्रेजेंट करेंगे और जिसको आपको बताएंगे, क्योंकि पेपर में एक क्वेश्चन वहाँ से आ जाता है कि बादल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा चिन्ह प्रयोग किया जाता है, या इसके लिए कौन सा चिन्ह प्रयोग किया जाता है, तो इसको भी हम आपको जरूर बताएंगे, क्योंकि यहाँ से भी एक क्वेश्चन आता है जिसको हम लोग छोड़ देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, ना ये अरिहंत में लिखा है, ना ये उपकार में लिखा है, ये केवल हमारी किताब में लिखा है जिसको हम लोग बताते हैं बच्चों को, तो इसलिए आप जरूर इसको ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट आता है हाइड्रोस्फेयर यानी जलमंडल।
जल मंडल की जब बात करते हैं तो जल मंडल में हम लोग सबसे पहले आता है रिलीफ, ओशन रिलीफ, महासागरों में उच्चावच। जब महासागरों में उच्चावच की बात करेंगे तो आपके ओशन, इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, आर्कटिक ओशन, अंटार्कटिका ओशन, इन सभी में हम लोग जब बात करेंगे तो इसके बारे में सारे रिलीफ फीचर्स, फिर ओशंस के टेम्परेचर, महासागर में तापमान, उनकी सैलिनिटी, उस पर बात करेंगे। जैसे हम सभी लोग जानते हैं कि जब सैलिनिटी की बात की जाती है, वॉन लेक टर्की जहाँ पर 330% सैलिनिटी पाई जा रही है, इस पर चर्चा करेंगे। ओशनिक करेंट्स से बहुत क्वेश्चन आता है कि अगुलहास की धारा कैसी धारा है, या बेंगुला की करंट कैसी करंट है, कनारी करंट कैसी करंट है, आपका लैब्राडोर करंट कैसी करंट है, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट कैसी करंट है, साउथ इक्वेटोरियल करंट कैसी करंट है, ईस्टर्न ऑस्ट्रेलियन करंट कैसी करंट है। तो यानी कि अगर हमें करंट्स को जानना है तो यानी करंट्स के बारे में भी हमें पढ़ना है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि हमें जो है इंडियन ओशन करंट, अटलांटिक ओशन करंट और पैसिफिक ओशन करंट, ये तीन मेजर हैं जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर मिलता है। तो दोस्तों आपको ये बात समझ गया होगी कि हमें धाराओं के बारे में भी पढ़ना, और पढ़ना शुरू कर दीजिए क्योंकि हमारे बैचेस जल्दी स्टार्ट हो जाएंगे। आज हम लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं और उसके बाद तुरंत बैच स्टार्ट हो जाएगा, तो इसलिए प्लीज़ आपसे अनुरोध है कि आप इसको पढ़ना शुरू कर दें, जिससे कि जब मैं लाइव क्लास लेना स्टार्ट करूं तो आपको अगर कोई क्वेश्चन आता है या अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमसे उसके बारे में डिस्कस कर सकें, क्योंकि आप तभी पूछेंगे जब आप पढ़ेंगे। अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो हम कुछ भी बताएंगे आप सब एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इसलिए प्लीज़ आप इसको पढ़ना शुरू कर दीजिए। फिर नेक्स्ट आता है आपका, देखिए इसके बाद जो है जलवायु प्रभाव, ज्वार भाटा की प्रक्रिया और उत्पत्ति का सिद्धांत। ज्वार भाटा की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत क्या है, किसने किसने ज्वार भाटा से रिलेटेड कॉन्सेप्ट दिया था, ये सब क्वेश्चन भी आने लगा है। जैसे हम लोग कहते हैं कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा, मतलब सबसे अधिक बार 24 घंटे में सबसे अधिक बार जो है हाई टाइड आता है कहाँ पर, तो हम लोग कहते हैं गल्फ ऑफ फंडी, फंडी की खाड़ी में 24 घंटे में 4 बार हाई टाइड होता है, जबकि भारत में हाई टाइड 24 घंटे में सिर्फ 2 बार होता है, 12 घंटे 26 मिनट पर, एक हाई टाइड से दूसरे हाई टाइड के बीच में 12 घंटे 26 मिनट का डिफरेंस है। जबकि फंडी की खाड़ी, गल्फ ऑफ फंडी कनाडा के ईस्टर्न पार्ट पे है फंडी की खाड़ी, जहाँ पर 24 घंटे में हर 6-6 घंटे के डिफरेंस पे 4 बार हाई टाइड्स होता है। ठीक, तो अब आपको समझ में आ गया होगा। फिर इसके बाद आता है ह्यूमन ज्योग्राफी, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही गड़बड़ टॉपिक है, महत्वपूर्ण भी बहुत है, खतरनाक भी बहुत है, क्योंकि इसमें जितने आदमी हैं ये सब प्रॉब्लमेटिक हैं। क्योंकि अगर इसको हर बच्चा बहुत, क्योंकि ये थ्योरिटिकल पार्ट है और इसको बहुत आदमी बहुत कैजुअल लेता है और गलत होने की संभावनाएं सब यही हैं। क्योंकि ह्यूमन ज्योग्राफी में जैसे वो जो रेडजल साहब हैं, अब ये रेडजल साहब निश्चयवाद, डिटर्मिनिज्म क्या है, ये पर्यावरण को मानते हैं, इनकी शिष्या इसी सैंपल हैं, वो एनवायरनमेंट को लेकर चलती हैं, तो ये क्वेश्चन आता है कि कौन प्रकृति के साथ जुड़ा है, कौन मानव का संबंध पर्यावरण के साथ बताता है। इन सब चीज़ों पर जब चर्चा शुरू होती है तो रेडजल साहब को बुला लिया जाता है, इसी सैंपल इनकी शिष्या है। तो रेडजल, क्योंकि बीए में पता नहीं हर बच्चे ने पढ़ा है कि नहीं, हम लोग एमए में हिस्ट्री ऑफ ज्योग्राफिकल थॉट, ये थॉट पेपर का नाम ही थॉट है, लेकिन ये ह्यूमन ज्योग्राफी में इसको इनबिल्ड कर दिया गया है, क्योंकि ये पीजी में पूरा एक पेपर है। ठीक, तो अब सैंपल हो गए, हंटिंगटन हो गए, वाइड, ये लाब्लास, इन्होंने पुस्तक लिखी, लाब्लास की पुस्तक है, ब्रूंस की पुस्तक है, टेलर की पुस्तक है, इनके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत आता है और ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन होते हैं कि जो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप निश्चित गलत कर दोगे, तो इसलिए इनका कॉन्सेप्ट जानना बहुत जरूरी है। फिर इसके बाद आता है आपका विश्व में जनसंख्या वृद्धि, पॉपुलेशन की जो थ्योरी है, माल्थस की थ्योरी क्या है, माल्थस ने जनसंख्या ग्रोथ का सिद्धांत क्या दिया था, वर्ल्ड में पॉपुलेशन ग्रोथ थ्योरी कॉन्सेप्ट क्या है, जनसंख्या डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी क्या है, कहाँ कहाँ पर किस तरह से पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, 2011 की जनगणना से क्वेश्चन आ जाता है, सेंसस रिपोर्ट से क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि यूपी टीईटी है तो यूपी में भी जो सेंसस रिपोर्ट है वो भी इसमें इनबिल्ड हो जाती है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है, तो इसलिए यहाँ पर ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद देखिए, अब जैसे इन्होंने ट्राइब्स से भी उठा दिया, काकेशियस, मंगोलाइड, अब वो पूछ रहे हैं नाक लंबी है तो क्या होगा, कान बड़े हैं, मुंह छोटा है, कद छोटा है, तो कौन सी प्रजाति है, ये किस प्रजाति के थे, मंगोलाइड कहाँ से आए थे, काकेशस कहाँ से आए थे, कौन भारत में पहले आया था, ये तमामों टाइप के क्वेश्चन हैं, और शरीर के पार्ट से जोड़ करके भी ये लोग पूछते हैं यहाँ से क्वेश्चन, तो हमें इनको, अब जिन्होंने दिया 2 है केवल, काकेशस और मंगोलाइड, जबकि इसके 5-6 प्रजातियाँ हैं और सब पूछते हैं वो,
लिखते दो हैं, बाकी आदि है। आदि मतलब जो नहीं लिखा सब समझ लो, सब कुछ आएगा, ये मतलब है। फिर इसके अलावा आप जैसे इन्होंने बुशमैन, एस्किमो, किर्गिज, मसाई, सेमांग, इन जनजातियों के बारे में भी डिस्कस किया कि अब बुशमैन जनजाति कहाँ पाई जाती है उसके बारे में बताइए, एस्किमो कहाँ पाई जाती है। अब बुशमैन आप बताएंगे कि अफ्रीका में पाए जाते हैं, फिर वो कहेगा कि नहीं अफ्रीका में बताओ कौन से कौन सी कंट्री में है। फिर अगर आप कंट्री बता दोगे तो फिर कहेगा कि वहाँ की इम्पोर्टेंस बताओ। तो यानी कि हमको पूरा डिटेल जानना पड़ेगा, एक एक चीज़ उसके बारे में जानना है। एस्किमो है तो कहाँ है, फिर क्यों है, फिर उसकी क्या विशेषता है, किर्गिज कहाँ पाए जाते हैं, किस कंट्री में पाए जाते हैं। तो यानी हमको बुशमैन, एस्किमो, किर्गिज, मसाई, सेमांग, इनके बारे में एक एक चीज़ को बहुत गहराई से स्टडी करना अनिवार्य है। फिर नेक्स्ट आता है ह्यूमन सेटलमेंट, यानी मानव अधिवास। जब मानव अधिवास की बात करते हैं तो मानव अधिवास में लिखा जैसे प्रमुख प्राकृतिक प्रदेशों में ग्रामीण अधिवास के रूप में। अच्छा, जो ह्यूमन सेटलमेंट होता है उसमें दो तरह के सेटलमेंट्स हम लोग देखते हैं, एक अर्बन सेटलमेंट्स होता है और एक रूरल सेटलमेंट्स होता है। जब अर्बन सेटलमेंट्स की बात करते हैं, जब अर्बन की बात करेंगे तो हम अर्बन सेटलमेंट्स में हम ये देखते हैं कि बस्तियों के प्रकार कैसे हैं, बस्तियाँ किस तरह से बसाव कर रही हैं। इसी तरह से जब रूरल सेटलमेंट है तो रूरल सेटलमेंट में भी बस्तियों के प्रकार, फिर उनके कारण, फिर उनका माइग्रेशन, उनके एस्पेक्ट्स, इन सारी चीज़ों को लेकर के हम लोग चर्चा यहाँ पर करेंगे। और इसमें फिर एनवायरनमेंट का भी, इसमें स्वरूप में पर्यावरण का भी रोल है कि जहाँ पर जो बस्ती बस्ती है उसके पीछे वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ का बसाव कैसा है, वहाँ का सोशल कल्चरल एस्पेक्ट कैसा है, इन सारी चीज़ों को लेकर के हम लोग ह्यूमन सेटलमेंट की बात करते हैं। फिर आता है कि विश्व के प्रमुख विराट नगर और अवस्थिति और उनके महत्व, यानी कि वर्ल्ड में जो बड़े बड़े सिटीज़ हैं जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हो गई, मेगापोलिस सिटीज़ हो गई, इनके बारे में उनकी सिचुएशन, उनके इम्पॉर्टेंस, क्यों हम किसी भी सिटी को मेट्रोपॉलिटन कहते हैं, क्यों हम किसी सिटी को मेगापोलिस कहते हैं, इनके बारे में हम जो है यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो ये इतनी चीज़ें इम्पॉर्टेंट थी और इतना ही आपको जानना है, क्योंकि TGT में एक पार्ट जो मैं ज्योग्राफी में आपको पढ़ाऊंगा उस पर मैंने चर्चा किया, और ये सारी चीज़ें विथ मैप, विथ एटलस, विथ कॉन्सेप्ट आपको दी जाएंगी परीक्षा प्लस टीम की तरफ से, और हैंड रिटन नोट्स, यानी जो भी हमारे द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा उसका एक लिखित नोट्स पर डे आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर प्रिंट नोट्स के रूप में आपको मिलेगा, और आपको एक एक चीज़ बारीकी से बताई जाएगी, और जिसका हमारा एक लक्ष्य होगा कि आपका TGT का एग्ज़ाम निश्चित क्वालिफाई हो, क्योंकि जितने अधिक नंबर होंगे आप आसानी से, इंटरव्यू है नहीं तो आपका सिलेक्शन हो सके। इसी के साथ धन्यवाद।